दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्वांट का सेशन अटेम्प्ट करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें लॉन्ग फैक्टर बड़ी बड़ी वैल्यूज दी होती हैं उनके फैक्टर करने होते हैं। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन, क्योंकि क्लर्क का एग्जाम है तो आप तैयार हैं, 5 अप्रॉक्सीमेशन, 5 सिंप्लीफिकेशन, लगभग 10 से 15 आपको ये टाइप मिल जाएगा। ओके, तो ये परफेक्ट लेवल है प्रिलिम्स के लिए और इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन तैयारी का, वहाँ पर जाएँ और इस तरह के लेवल को आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अप्रॉक्सीमेशन को अटैम्प्ट करते हैं। देखो यहाँ पर लेवल वाइज चलेंगे, अप्रॉक्सीमेशन होगा और क्वाड्रेटिक के बहुत अच्छे लेवल होंगे। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा है मैंने मिक्सचर एनालिगेशन का, उसका आपको बताना होगा आंसर। ओके, तो जैसे देखो पहला क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें लिखा है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी। और आपको इस क्वेश्चन में एक ब्रैकेट में नोट लिखा है यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया किसका, अप्रॉक्सीमेशन का। ओके, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, लेकिन आप ऑप्शन देखो 12, 13, 15, 17, 18। ओके, तो ये ऑप्शन काफ़ी अपने आप में क्लोज है। तो जैसे ये वैल्यू लिखी है 8678, तो आप ऐसा मत कर लेना कि इसको आप 8700 लेकर सॉल्व कर दो, इससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा मतलब दूर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल लीनियर सारी वैल्यूज को ऐड कर देता हूँ। देखो जैसे ये 8 है, 5 है और 1 है, ये सब पॉजिटिव अंक जुड़ जाएंगी, 8, 5, 13 और 1, 14, एक आपका कैरी बचा, एक यहाँ पर आ गया। अब देखो 7 और 1 ये मिलाकर हो गया 8 और 4, 12 और 4, 16, तो यहाँ पर कितना आया, 6 आया, फिर से एक बचा आपका। अब देखो 6 और 1, 7 हो गया, 7 और 5, 12, 12 का यहाँ पर 2 आएगा, एक आपका कैरी बचेगा, 1 और 8, 9 और 4, 13, 13 और 8, 21, तो ये कितना आ गया, 21264। मुझे डिवाइड किससे करना है, 601, ये सारी वैल्यूज मुझे ऐड एक बार करनी होगी। देखो 6 और 6 और 1, ठीक है, ये हुआ आपका 13, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3, और आपका एक कैरी बचा, तो देखो 0 और 9 और 5, ये हुआ 14 और 1, 15, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया आपका 5, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये आपका 5 आ गया। अब आपका कितना बचा, एक कैरी बचा, तो देखो ये हुआ 6 और 2, 8 और 5, 13, 13 और 1 कितना हुआ, 14, तो 1453। अब मुझे इस नंबर से डिवाइड करना। देखो एक मैं आपको टिप बता रहा हूँ, वो बहुत जगह है, मतलब 95% काम करती है। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट को जब आप 4 डिजिट से डिवाइड कर रहे हो तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, ये लास्ट वाले प्लेस को ख़त्म कर दो। अब ये क्या बचा, 2126 और डिवाइड बाय 145, इतना बचा, इसको केवल डिवाइड करना होगा, क्योंकि जो आपका आंसर आएगा वो 2 डिजिट में आएगा, जैसे या फिर इस तरह से आएगा, मैं आप एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 10.45 ये आएगा इस तरीके से, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो हमने केवल यहाँ से भी एक प्लेस, यहाँ से भी एक प्लेस, इससे बहुत ही माइनर चेंज होता है आंसर पर, ठीक है, आप करके देख लेना। आप पहले एक बार इस पूरी कैलकुलेशन को करोगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा, और फिर आप इसको करके देखोगे, दोनों आपको बहुत ही माइनर सा चेंज मिलेगा। ओके, अब 145 से इसको डिवाइड अगर करना है तो देखो 212 ये एक बार जाएगा, 212 में से 145 कम करोगे, 55 और 12, ये कितना हुआ, 67, ठीक है, ये आपका हो गया 67 और ये 6, ये हो गया 676। अब देखो ये 145 है, ये 676 है। अब अगर आप इसको देखते हो कि 15 × 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 750, 15 × 75 होता है ना, 750 क्रॉस कर जाएगा इसको, फिर 4 बार आपको लेना है, ठीक है, तो मैंने ये 4 टाइम्स हो गया, तो देखो 100 × 4, 445 × 4 कितना होता है, 180, तो ये हुआ 580, ठीक है। तो अब आप ये देखो 676 में से अगर 580 को माइनस करोगे, ओके, तो ये आपका कितना बचेगा, अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आप देख लो कितना बचा, ये लगभग 80 और 90, ये आपका 96, ठीक है, इतना बचेगा, लेकिन ये हमारा 14 टाइम्स जा चुका है, तो रिजल्ट हमारा 14 डॉट समथिंग। अगर आप देखो 145 से 96 डिवाइड तो होगा नहीं, डॉट लगेगा, फिर जीरो बढ़ेगा, 960 आएगा, समथिंग यहाँ पर कुछ कुछ आएगा, तो 14 दशमलव कुछ आंसर, मतलब 15 के आसपास में आपका आंसर ये यहाँ पर मिलेगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 15 बचा और ये भी नहीं होगा, तो 15 ही हमारा ऑब्वियसली आंसर होगा, क्योंकि ये 14 पॉइंट समथिंग कुछ देखने को मिलेगा। जब ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो कैलकुलेशन यार इस तरीके की करनी होती है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको ऑप्शन देता 200, 145, ठीक है, एक ऑप्शन में आपको देता 15, तो आप डायरेक्टली देखते 15 को टिक कर देते, लेकिन जब ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो कैलकुलेशन भी उतनी ही क्लोज करनी होती है, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें क्या दिया है, इसमें लिखा है 56% ऑफ दिस वैल्यू माइनस दिस परसेंट ऑफ दिस वैल्यू और ये डिवाइड बाई 65, ये आपको करना है यहाँ पर। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या आपको करना होगा, सीधी सी बात है, परसेंटेज तो निकालना पड़ेगा। 56% को आप ऐसे कर सकते हो, 50% प्लस 6%,
देखो 2442 का 50% क्या है, 2442 का हाफ कर दो, ये हुआ कितना 1221, 1221 आ गया। अब मुझे 6% निकालना है, देखो 1% कितना है 24. ये दिख रहा है 42 दिख रहा है, ओके, तो इंटू 6 कर दोगे, 24 × 6 ये कितना हुआ आपका, ये हो गया 24 × 6, देखो 20 × 6 120 और 4 × 6 24 144 हुआ, और ये 0.42 × 6 है, ये आपका 2 point something और आएगा, तो आप इसमें 2 और ऐड कर लो, तो 144 + 2 146, 146 यहाँ पर और ऐड हो जाएंगे, ये हुआ 6 और 1 7 और 6 और ये हुआ 2 और 1 3 और ये 13, तो ये कितना हो गया 1367, ठीक है, ये हमें मिल गया 1367, समझ में आ रहा है ना। मैंने क्या किया 50% + 6%, और 6% जब मैंने इसका किया तो 24 की मैंने 6 से मल्टीप्लाई की तो 144 आ रहा है, और अगर आप ये जो 0.42 है इसकी 6 से करोगे तो 6 × 4 = 24, 2.4 something आएगा, तो मैंने 2 और यहाँ पर ऐड कर दिया, तभी मैंने यहाँ पर 140 लिए हैं, ओके ये आ गया समझ में। अब देखो 1367 तो यहाँ से मिल गया, 25% है मतलब डायरेक्टली 1/4 इसका आप कर दो, तो 1/4 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से 6 बार और 3 बार 603 आ गया, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, ओके, तो जो आपका आएगा 1/65 आपको करना होगा, तो देखो 1367 है और यहाँ पर ये 603 है, अब देखो 7 में से 3 गया 4 बचा, और 6 में से ये 6 ही रहेगा, 13 में से 6 गया 7, 764, इसको आप 765 लिख दो, ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे भी ये आपका 5 यूनिट प्लेस है तो ये कट जाएगी वैल्यूज़, देखो तो 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितने बार जाएगा, 5 से एक बार गया, और फिर ये 2 और 26 हुआ, 26 हुआ ना ये, तो 5 से 5 बार गया, फिर ये कितना बचा, 1 बचा 15 हुआ 3 बार, तो 153, और ये आपका हो गया 5 से 13 बार, 13 बार जा रहा है, देखो 13 से अगर आप इसको काटते हो तो ये एक बार जाएगा, फिर ये 23 हुआ, फिर एक बार गया, तो लगभग 11 point something कुछ कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। और आप देखो अगर इसको एग्जैक्ट काटते हो, क्योंकि आपके आंसर 11, 12, 13, 14, 15 है, तो मुझे डॉट के बाद भी एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो देखो ये 13 से एक बार गया तो ये कितना हुआ था, यहाँ पर पहले मैंने एक बार किया तो 23 हुआ, फिर एक बार किया तो यहाँ पर 13 और 10 बचा, ये 100 हो गया, तो 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, तो ये लगभग 7 आ रहा है, तो 11.7 मतलब 12 इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा आंसर होगा 12 वाला ऑप्शन, ठीक। अगर यहाँ पर 11.2 आता तो हम यहाँ पर 11 को पिक कर लेते, मतलब 11 12 में से ही कोई एक आपका आंसर बनता, ठीक है, ये 11.7 आया। देखो यहाँ पर ऑप्शन बहुत क्लोज है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं इन ऑप्शंस को चेंज करके यहाँ पर कर दूँ 11 15 22 24, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 11 12 में से किसी एक वैल्यू को लगाएंगे, लेकिन लाइन से जब 11 12 13 14 दिए तब तो आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, देखो ये वाला क्वेश्चन इजी है, इसमें क्या करना है कि 42.18, तो इसको आप 42 मानोगे, 42 का स्क्वायर प्लस ये 23.98, तो ये हो गया कितना 24 का स्क्वायर, अब ये 17.22 है तो इसको आप 17 का स्क्वायर लेकर सॉल्व करोगे। देखो 42 का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है, ये 50 के ज़्यादा करीब है, 50 से कितना कम है, -8 कम है, ओके, तो आप क्या करो 8 का स्क्वायर कर दो, ये हो गया 64, 42 में से 8 कम कर दो, कितना बचा 34 और इसका हाफ कर दो, तो ये हुआ आपका 1764 आपका आ जाएगा, 42 का स्क्वायर आएगा 1764, ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, माइनस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन आसान है, आप क्या करो पहले इन दोनों को बाद में जोड़ो, पहले आप इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो ये 16 में से 9 गया 7 बचेगा, यहाँ पर 6 हुआ मतलब कि 16, 16 में से 8 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 287 + 1764, इन दोनों को और ऐड कर दो, तो ये सिंपल है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2051, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, ओके। एक और क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसको हमें कैसे अप्रोच करना है कम समय में, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो ये परसेंटेज है एक्स परसेंट, इसको हम क्या लिखेंगे एक्स परसेंट, तो क्वेश्चन मार्क निकालना है मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज है मतलब डिवाइड बाई 100 आएगा तो 2 0 वैसे ही खत्म हो गए, तो ये कितना हो गया 6x हो गया, प्लस ये है 45% ऑफ 880, 880 को आप 900 यहाँ पर लिख लो तो ये परसेंटेज से 2 0 खत्म हो जाएंगे, 45 × 9 आ जाएगा, ठीक है, 45 × 9 कितना होता है 45 × 10, 450 में से 45 को लेस करोगे कितना आएगा 405, ठीक है, 6x + 405 = यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये आप देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क y7, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया xy7, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं xy7 × 63 माइनस
3/17 × 500 से, अब ये कट जाएगा, 7 से 9 बार गया, ये हो गया आपका 9x, तो यहाँ पर मैं 9x लिखता हूँ, माइनस 17 से, देखो ये कितने बार कटेगा, 17 से ये आपका कटता है 3 बार, 51 हुआ, 7 बचा 70 हुआ, 17 से 4 बार जाएगा 34, दशमलव कुछ कुछ आएगा छोड़ दो उसको, 34 × 3 करोगे, 30 × 3 90, 4 × 3 12 है, तो 90 + 12 कितना हुआ 102। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन ये बन गई, 6x + 405 = this 1। अब इसको करना आसान है, यहाँ पर 9x है, 6x को आप इधर ले जाओ, ये कितना बचा 3x हो गया, माइनस का 102, इसको आप इधर ले आओ, 405 + 102 कितना हो गया, ये आपका हो गया 507। 3 से इसको आप काट दो, 3 से एक बार गया, और फिर ये कितने बार जाएगा, 20 हुआ, 6 बार गया, 27 हुआ, 9 बार गया, 169 आ रहा है, ऑप्शन देखो 141, 166, 45, 42, 32, तो ऑब्वियसली 166 सबसे ज़्यादा क्लोज्ड है, तो यही आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन है, ओके हो गया ये। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक में मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी अगर हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका Q1 Q2 बन जाता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आज मैं आपको लॉन्ग फैक्टर बताऊंगा जिसमें बड़े बड़े फैक्टर्स जो आपको करने होते हैं, और जो फ्रैक्शन बेस्ड होते हैं उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ओके, तो ये जो क्वाड्रेटिक सेट है इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, पहले ऑप्शन देख लो एक बार। ऑप्शन में क्या दिया होता है कि जैसे दो इक्वेशन दिए एक्स और वाई की टर्म में, ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो रूट निकल कर आएंगे, x1 x2 y1 y2, कंपेयर करना है कि अगर x y से बड़ा होगा या x छोटा होगा y से, या x बराबर बड़ा हो सकता है, छोटा बराबर हो सकता है, या रिलेशन नहीं बनेगा x और y के बीच में, सी एन डी जिस केस को हम कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं सी एन डी वाला केस होता क्या है, जैसे एक बार आपकी वैल्यू आई x ग्रेटर देन y आ गया, अगली बार जो x आया वो y से छोटा हो गया, तो जब कभी अपोजिट सिंबल आ जाए तो क्या बन जाएगा, सी एन डी बनेगा, लास्ट वाला ऑप्शन, या फिर x बराबर 45 आया, y भी 45 आ गया, तो क्या हो गया, x और y बराबर हो गए, तब भी आपका ये वाला केस बनेगा। ओके, एक बार देखो इस क्वेश्चन को, इसमें जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2 लिखा होता है, नहीं लिखा होता है तब भी हम अंडर रूट मानते हैं, ये आपका क्यूब रूट हो जाता है, 64 केवल अंदर लिखा है, तो 4 × 4 × 4, 4 का क्यूब करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 64 मिलेगा, इसका मतलब क्यूब रूट 64 का आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये कितना हो गया, 4x² माइनस ये आया 8 = 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, ये जाएगा प्लस का 8/4, मतलब कि 2 हो गया, x² = 2, तो x = क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, तो प्लस √2 और एक बार हो जाएगा माइनस √2, √2 की वैल्यू होती है 1.4141। ठीक है, माइनस में हम नहीं लिखते हैं इसको, ठीक है, अभी केवल हम इतना लिख लेते हैं, हमें वैल्यू पता होनी चाहिए बस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप ये देख लो अगला क्या यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आप लिख लो -1.4141। ठीक है, ये √ से बाहर माइनस है। ओके, जब अंडर रूट के अंदर माइनस होता है तब हम उसको सॉल्व नहीं करते हैं, वो इमेजनरी हो जाता है, आई की टर्म्स में उसका आंसर लिखते हैं, ये देख लो ये आ गया प्लस माइनस वाली वैल्यू। अब यहाँ पर ये दिया है, बहुत बड़ी वैल्यू दी है, 49/² - 182/+169, एक बार आप इसको करके देखो कैसे आप सॉल्व करते हो। देखो अब अगर इसको हमें टारगेट करना है तो हमें ये देखना होगा 49 की मल्टीप्लाई होती है 169 से, बनाना है माइनस का 182, 49 को 7 × 7 लिख लो, ये 69 है, 169 तो 13 × 13 हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखते हो 13 × 7 ये हुआ 91, 7 × 13 ये हुआ 91, 91 91 182, -91 -91 - 182 दोनों की मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 169 आएगा, तो देखो y की भी दो वैल्यू आ गई, -91 तो +91 लिखेंगे, अपोजिट लिखते हैं हमेशा, माइनस को यहाँ पर +91। ओके, अब इसके फैक्टर से इसको डिवाइड भी कर दो 49 से यहाँ पर इसको। ओके, अब देखो 49 को मैं 50 मानता हूँ, तो अगर 50 से मैं 90 को 90/50 अगर मैं करता हूँ तो आप यही तो कहोगे ये हो गया 9/5, तो ये कितना हो गया, एक बार जाएगा और फिर ये 8 बार जाएगा। ठीक है, तो लगभग हमें कहीं ना कहीं पर ये हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1.8 समथिंग कुछ कुछ मिलेगा, 1.7981, मतलब नियर अबाउट 1.8 मिलेगा, यहाँ पर कितना है 1.41, तो ये वाली वैल्यू ऑब्वियसली इससे छोटी है, तो ये क्या हो गया x, एक बार हो गया x इज़ लेस देन y, अब ये ऑब्वियसली माइनस है तो माइनस वाली वैल्यू भी आपकी प्लस, ये 1.8 से ये वैल्यू हमारी प्लस की आई है। ओके, तो इससे तो ये माइनस वाली वैल्यू ऑब्वियसली छोटी होगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, x इज लेस देन y। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और यहाँ पर करते हैं, इसको एक बार देखो ट्राई करना, बहुत जरूरी अच्छा क्वेश्चन है।
लिखा है 55x स्क्वायर, मैं एक बार लिख देता हूँ, 55x स्क्वायर माइनस 495x प्लस 1100। बहुत स्मार्ट वे में यहाँ पर सोचना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये 55 है, ये 495 और ये 1100, ये तीनों जो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं ये 55 की मल्टीपल, मतलब ये 55 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप इनका फैक्टर करोगे 55 के फैक्टर में ये वाली वैल्यूज़ आती हैं। ये एक बार आती है, ये कितने बार आती है, देखो 50 × 9 करोगे तो ये आया 450 और 5 × 9 45, तो ये होगा 495। मतलब अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 55 से डिवाइड करते हो तो आपका 55 तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप ये कर लो कि मैं 1/55 कॉमन ले रहा हूँ तो वो तो जीरो के साथ मिलकर ये 55 ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखो डायरेक्टली 55 से डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर ये कितने बार जाएगा, ये आपका जाएगा 9 बार, 9x प्लस ये 55 से 2 बार जाता है 20 हुआ बराबर 0। तो यहाँ पर 55 जो है हमारा ख़त्म हो गया। अब देखो 50 को क्या लिखते हैं, 4 × 5 20 आता है, -4 और -5 दोनों को जोड़ोगे -9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 20 आ रहा है। x कितना निकल कर आएगा ध्यान से देखना, अपोजिट सिंबल +4 +5। इसी तरीके से ये वाला एक बार देख लो, इसमें क्या कह रहा है, 4.5/स्क्वायर -13.5/-486=0। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दो वैल्यूज केवल देख लो, 4.5 तो ये है, क्या ये 13.5 भी 4.5 से डिवाइड हो रही है, एक बार चेक कर लो, बिल्कुल हो रही है। देखो 4 × 3 12 होता है, 0.5 × 3 1.5 होता है, 12 + 1.5 13.5। अगर मैं 4.5 से इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो एक बार इसको भी चेक कर लूँगा। अगर देखो ये तो सिंपल डिवाइड हो रही है, 4.5 से इसको डिवाइड करोगे 2/22 आएगा, ये 3 बार हो रहा है 3/3 आ गया। आप इसको कैसे करोगे, आपको क्या करना है, 486 को जब आप 4.5 से डिवाइड करो तो 4.5 को हम क्या लिखते हैं, 9/2 लिखते हैं। तो जब हम इस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका अपोजिट कर दो, 2/9 कर दो, उल्टा कर दो इसको, 9 से कितने बार, 5 बार, 9 से 4 बार, 36 54 × 2 108 आपका यहाँ पर आ गया। 108 को क्या लिखते हैं, 12 × 9 12 नहीं 108। -3/2 बनाना है तो मैंने माइनस का 12 और प्लस का 9 ले लिया, ठीक है, तो माइनस के 12 में से प्लस 9 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा और 12 × 9 माइनस का 108 आ जाएगा। तो बाई की दो वैल्यू आई यहाँ पर निकल कर, एक आएगी -12 का अपोजिट +12 और ये आ गई कितनी, -9। ओके, अब देखो ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ये जो 4 है ये इस 12 से क्या है, छोटी है, लेकिन इस माइनस वाली से क्या है, बड़ी है। जब देखो दो सिंबल आ गए लेस देन ग्रेटर देन तो क्या हो जाएगा, केस हो गया CND वाला। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन था ना, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, उसको मार्क करना है। ओके, एक बार एक क्वेश्चन और देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, 4/x√x। तो देखो जब फ्रैक्शन मिल जाए इस तरीके से, 4√x यहाँ पर है, 1x ये, प्लस 12/x√x = √x। तो देखो ये तो बेस सेम है, तो 4 + 12 कितना हो गया, 16/x√x = √x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो √x · √x होता है, पहले से एक x दिया है तो ये हो गया 16 यहाँ पर हो गया, x² ये हो गया, ठीक है, x² 16 तो x² क्या हो गया, +4 और हो गया -4। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आगे क्या दिया है, 2² - 8y + 16। तो यार इसको मुझे बताओ, इसका आंसर आपका क्या निकल कर रहा है। फैक्टर आसान होंगे, 16 है ना तो 4 और 4 कर लो, ठीक है, 16 के 4 और 4 हो जाते हैं, -8 बनाना है तो -4 -4, जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस मिल जाएगा। मुझे इसका आंसर बताओ कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये आपका हुआ 1 2 3, जो भी है 3 4, ठीक है, 3 4 जो भी है, तो आप इसका मुझे असाइनमेंट वाले का आंसर बताओ क्या निकल कर यहाँ पर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको ही करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन 4 और 5 दोनों के जवाब दो, ये तो बहुत इजी है, इसको तो आप कर लोगे यार। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 मुझे बताओ इनके आंसर क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और देना चाहूँगा, ये भी बिल्कुल बेसिक इजी है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं करना, नॉर्मल है, x² + 19x + 84 y² + 14y + 49। फैक्टर करने बस हैं और क्या है। अब देखो ये 84 है, ओके, तो इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं, देखो 12 × 7 84 होता है, तो 12 और 7 से 19 मिल रहा है, तो आपका ये मैच कर जाएगा। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए असाइनमेंट में रखा है,
आप ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है मिक्सचर एलिगेशन का है, इसका आंसर 4:3 आएगा। तो मुझे बताओ, और इसको मैं अगली वीडियो में कंसिडर कर लूँगा जो भी यहाँ पर अनसॉल्व क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब आप इस तरीके के और भी क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं, फ्री मॉक अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो नीचे मैंने एक लिंक दिया हुआ है onlinetayari.com का, इस पर आप जाएँ और रजिस्ट्रेशन करके इस मॉक को अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर चेक करें और क्वेश्चन के लेवल को जानें कि कैसे क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, और बाकी प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।